नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज दिनांक 27 अगस्त 2020 बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार, और आज की तिथि क्या है तथा आज का चौगड़िया शुभ मुहूर्त क्या है, यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आज की तिथि है भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जो कि 9:25 तक रहेगी। सुबह तक नवमी तिथि रहेगी, उसके पश्चात में दशमी तिथि होगी। आज का संपूर्ण दिन नवमी तिथि का माना जाएगा। अब आगे मैं आपको आज के शुभ मुहूर्त, आज के चौगड़िया शुभ मुहूर्त, आज का दिशाशूल, आज का अभिजीत मुहूर्त, आज क्या करें क्या ना करें, आज के हवन करने का मुहूर्त, आज के विशेष उपाय, आज के व्रत और त्यौहार की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए बात करेंगे आज के प्रथम चौगड़िया शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ जो कि बहुत ही उत्तम होता है, प्रातः 5:57 से सुबह 7:33 तक रहेगा। आज के द्वितीय चौगड़िया शुभ मुहूर्त की बात करें तो चर जो कि सामान्य होता है, सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 तक रहेगा। आज के तृतीय चौगड़िया शुभ मुहूर्त की बात करें तो लाभ जो कि उन्नति प्रदान करने वाला होता है, दोपहर को 12:22 से दोपहर 1:59 तक रहेगा। आज के चतुर्थ चौगड़िया शुभ मुहूर्त की बात करें तो लाभ जो कि उन्नति प्रदान करने वाला होता है, दोपहर 12:22 से 1:59 तक रहेगा। कुछ विशेष कारणों के कारण अन्य चौगड़िया यहाँ पर दर्शाए नहीं गए हैं। अब बात कर लेते हैं आज के विशेष शुभ मुहूर्त के बारे में, सर्वश्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त के बारे में। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इसमें आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही बात करें सर्वोत्तम अमृत काल के बारे में, तो आज कुछ विशेष योगों के कारण आज अमृत काल नहीं बन रहा है। साथ ही बात करें विशेष शुभ मुहूर्त के बारे में, तो आज रवि योग जो है पूरे दिन बना हुआ है, तो आज आप सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हवन करने के मुहूर्त के बारे में, अग्निवास के बारे में। आज अग्निवास भी पृथ्वी पर है, तो आज आप सभी प्रकार के हवन से संबंधित कार्य संपन्न कर सकते हैं। आज हवन करने का मुहूर्त बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं दैनिक उपवास और व्रत त्यौहार के बारे में, तो आज ज्येष्ठ गौरी विसर्जन होगा, साथ ही आज गंडमूल योग भी है, विंछड़ो भी है, साथ ही आज रवि योग भी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में, आज क्या करें क्या ना करें। तो आज जो है दिशाशूल दक्षिण दिशा में बन रहा है, साथ ही आज गुरुवार का दिन है। आज आप जहां भी जो कार्य करने जा रहे हैं उससे पहले आप दही खाकर यात्रा करेंगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार आज के वीडियो का क्रम रहा है मित्रों। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ में फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक शेयर करें। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसके माध्यम से शेयर करें। आप हमारा फेसबुक ग्रुप और पेज ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।